नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा जादौन और खबर गुरदासपुर से आ रही है। 2022 के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सियासत गर्म करनी शुरू कर दी है, जिसको लेकर जिला गुरदासपुर के हल्का इंचार्ज शहरी कलसी को युद्ध विंग पंजाब का उप अध्यक्ष और सतनाम सिंह को जिला गुरदासपुर रूलर का अध्यक्ष और प्रीतम सिंह को जिला अध्यक्ष शहरी लगाकर पार्टी का विस्तार किया गया, जिसके बाद शहरी कलसी प्रीतम सिंह और सतनाम सिंह के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शक्तिपीठ मंदिर काली द्वारा बटाला में ढोल के साथ नतमस्तक हुए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। जानकारी देते हुए नवनियुक्त उपाध्यक्ष कलसी ने बताया कि पार्टी हाईकमान ने उनका काम देखकर उनको यह जिम्मेदारी दी है। अगर बीते समय की बात करें तो सबसे कम उम्र का मैं एक साधारण परिवार से निकला नौजवान था, जिसने आम आदमी पार्टी का पलड़ा पकड़ा और पार्टी की मजबूती के लिए युवाओं को अपने साथ जोड़कर मोटरसाइकिलों पर रैली पर निकलते थे, और पार्टी ने मेरा सारा काम देखकर मुझे आज यह सम्मान दिया है और मैं अपनी पूरी तनदेही से पार्टी की मजबूती के लिए सेवा करूंगा। देश के किसान जो हमारे भाई संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी पार्टी नहीं आगे आ रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर अकाली दल हो। हमारी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और साथ में हम अपने पंजाब प्रधान हरभजन मान को इस बात का क्रेडिट देते हैं, जिसने भाजपा और अकाली दल को अलग करने में अहम भूमिका निभाई है। हमारी एक ऐसी पार्टी है जिसने किसान विरोधी बिलों को कॉपी लेने के लिए पंजाब भवन में संघर्ष किया, रात तक वहां गुजारी है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। मेरे खुद द्वारा गुरदासपुर में चाहे वह रेलवे ट्रैक थे या फिर धरना प्रदर्शन के स्थान थे, किसानों के हक में मैं अपने साथ लड़ता रहा, और मेरी कई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर हैं जिसने आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है या नहीं। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। देखो जी, आज बेसिकली साडे पंजाब दे यूथ दी सोच बदलने दी लोड़ है। अज साडा नौजवान पढ़ता लिखता वा तो पहला वो बाहरले मुल्क बारे सोचता पैंदा। कुछ नौजवान ने जिन्हां नूं रुजगार नहीं मिल रहा, दर दर धक्के खा रहे हैं, क्योंकि कुछ साडे नौजवान ने जिहड़े वो नशियां दी तादाद दे विच वड़ चुके ने। असी एक आम आदमी पार्टी सोच लैके आई है भी इस नौजवानों की सोच में उजागर करना और पंजाब दे विच फिर यह पंजाब जिहड़ा सोने की चिड़िया, जिहड़ा साडा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया आख्या जाता सी, उन्हें फिर सोने की चिड़िया को बहाल करना, यह आम आदमी पार्टी के यूथ आगुओं की सोच। कलसी जी, जिस तरह अंदर की गल की यूथ अज धरने के मरण डे, दो महीने हो गया किसानों के नाम यूथ लड़ रहे हैं, अलग अलग से कलाकार भी लड़ रहे हैं, पर उन्होंने किसी तरह भी किसी पक्षों भी हल नहीं होगा। आम आदमी पार्टी यूथ के नाम खड़ेगी धरने? देखो जी, नैचुरली खड़ेगी नहीं, आम आदमी पार्टी खड़ती आई है। आम आदमी पार्टी के जो कैप्टन साहब ने बिल पास किए थे, उसके बिलों दी कापियां नहीं मिली। आम आदमी पार्टी संसद के पंजाब भवन के रात सुते देखिया, सिर्फ जिद की सी किसानों का जो बिल पास किया, बिल दी कापियां मिल। आम आदमी पार्टी हर पक्षों किसानों की हित लई खड़ी है, मजदूरों की हित लई खड़ी है। किसान पर बार बार एक ही गल कह रहे हैं कि असी उस पार्टी नूं अपनी हिमायत अपनी साझेदारी पार्टी समझांगे जिहड़ी साडे नाल खड़ेगी, पर अजे तक किसी वेले भाए आम आदमी पार्टी है जां कांग्रेस पार्टी है, किसी वेलों भी कांग्रेस के नाल नहीं खड़ेगी। तुहानू लगता भी सुखबीर बादल ते बीबी बादल जिहड़ी है अपने जिहड़े अहुदे तों अस्तीफा दे सकदी? ते कारण क्यों क्यों देना पिया अस्तीफा? अस्तीफा इस करके देना पिया भी जिहड़ा दिल्ली दे विच होर बयान हुंदे सी, पंजाब दे विच होर बयान हुंदे सी अकाली दल दे, वो प्रतख जे भगवंत मान होना ने उजागर किए तो पंजाब दे विच उन्होंने किए, हिंदुस्तान दे विच उजागर किए, ता जो कि अज अकाली ते बीजेपी का गठजोड़ जे टुटन की आप गल करते हैं, तो सब तो वध आप अहम रोल भी सरदार भगवंत मान जी का समझते हैं। मैं पार्टी वास्ते पार्टी हाईकमांड जिहड़े भी सानू आदेश देगी, जिहड़ी उन्हां दी फिलासफी है, जिहड़ी आइडियालॉजी है, उहदे अनुसार काम करांगे। किन्ना कि तुहाडे वल्लों जां तुहाडी पार्टी की गल कीती जाए, जिस तरह अज तों कोई दो महीने पिछे चले जाइए लगातार किसान धरने, तुहाडे वल्लों भी कोई धरने दे जाके किसानां दे नाल शामिल होया गया? मैं गुरदासपुर तो बिलोंग करदा हाँ, और कानोवन चौंक जिहड़ा धरना सीगा ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਾਈਟ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਾ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਔਰ 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ।